गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए आप लोग। देखिए, हमारे तरफ से रूट लोकस कंप्लीट हो गया है, मतलब कि जो भी पॉसिबिलिटी था, मतलब कि पोल्स एडिंग, एडिशन ऑफ पोल्स और एडिशन ऑफ जीरो लास्ट कंडीशन था, वो पॉजिटिव फीडबैक के लिए मतलब कि कंप्लीट हो गया है। एक टर्म्स आता है उसमें कि जैसे कि हम लोग अभी निगेटिव फीडबैक के लिए देखे थे, जहाँ पर के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी वेरी कर रहा है, और एक पॉजिटिव फीडबैक के लिए नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले कुछ और मतलब कि डैम्पिंग रेशियो से रिलेटेड हमको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि नॉर्मल्स का जो बुक देखेंगे, नॉर्मल्स का जो क्वेश्चन देखेंगे रूट लोकस में, उसमें एक सर्टेन वैल्यू ऑफ डैम्पिंग रेशियो देगा, बोल देगा कि क्वेश्चन था कि पर्टिकुलर डैम्पिंग रेशियो के लिए आप फाइंड आउट करो कि गेन क्या होगा, मतलब कि जो ओपन लूप गेन है वो वैल्यू क्या होगा। तो थोड़ा सा डैम्पिंग रेशियो के बारे में समझाना है कि क्या है, कैसे निकालना होता है और वो क्या होता है। तो थोड़ा सा डैम्पिंग रेशियो के बारे में आज फिर से मैं कोरिलेट करूंगा, और एक्चुअल वो क्या है डैम्पिंग रेशियो, जो कि ग्राफ पे या पोल्स का पोजिशन से आप बता सकते हो वो क्या होगा नहीं होगा। तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। डैम्पिंग रेशियो, मान लीजिए कि आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है TS ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यहाँ पर डैम्पिंग रेशियो जो तो क्या था, जीटा आपका डैम्पिंग रेशियो है, ठीक है। तो उसी तरह मान लीजिए कि पोल जीरो का पोजीशन है, एक पोल्स यहाँ है, एक पोल्स यहाँ है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स है, रियल नहीं है, रियल पार्ट जीरो है। मीन्स मान लीजिए कि माइनस प्लस टू जे और माइनस टू जे है, तब यहाँ पर डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू क्या आएगा, कोई बताइएगा? इस कंडीशन के लिए डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू क्या आएगा, कोई बताएंगे? जीरो। जीरो कैसे पता चला? मान लीजिए ट्रांसफर फंक्शन का पोल्स का पोजीशन ये है, समथिंग के एस प्लस टू जे और एस माइनस टू जे, जब इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं फोर हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ से देख रहे हैं कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी है बट डैम्पिंग रेशियो जीरो है, ठीक है, वो गुड। नेक्स्ट है यहाँ पर के लिए, जब तब इससे क्या पता चल रहा है कि जो कहीं भी पोल्स हमारा सिर्फ कम्प्लेक्स कंजुगेट रहेगा, कम्प्लेक्स कंजुगेट रहेगा और वो इमेजिनरी एक्सिस में कहीं पर भी रहेगा, दैट मीन्स मतलब कि डैम्पिंग रेशियो वैल्यू विल बी जीरो। आप यहाँ पर टू के जगह पर थ्री पर ले लो या फोर पे ले लो, कुछ भी रहेगा, रियल पार्ट अगर नहीं है तो डैम्पिंग रेशियो क्या होगा, जीरो। डैम्प्ड सिस्टम मतलब कि वो सेटल नहीं होने जा रहा है, एंड डैम्प्ड सिस्टम वो आपका रहने जा रहा है। नेक्स्ट केस है मान लीजिए कि दो पोल्स हैं कहीं भी, एक पोल्स यहाँ मान लीजिए, एक पोल्स यहाँ है, माइनस टू है माइनस फोर है, इस केस में डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू क्या होने वाला है, ग्रेटर देन, हम लोग तो डैम्पिंग रेशियो को वन के रिस्पेक्ट में देखते हैं ना, लेस देन वन, ग्रेटर देन वन और इक्वल टू वन, तो इस केस में क्या होने वाला है?
बताइए। ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन के एस स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस एट ओमेगा एन विल बी टू रूट टू सिक्स, तो जीटा इज इक्वल टू थ्री बाय टू रूट टू सॉरी सिक्स थ्री, गलती हो गया, मिस्टेक है, टू जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू सिक्स ओमेगा एन और का भी तो यहाँ बैलेंस शीट होगा ना सर? हाँ टू रूट टू होगा तो फोर हो जाएगा, तो जीटा इज इक्वल टू सिक्स बाय फोर रूट टू, ये थ्री ये टू, 1.5 अपॉन रूट टू। रूट टू का वैल्यू क्या होता है जी? रूट टू का वन वैल्यू पॉइंट फोर वन फोर वन वन पॉइंट फोर फोर वन वन होता है, फोर तो मतलब जीटा ग्रेटर देन वन आएगा। तो आप देखिए कि अगर आपका पोल्स, एक तो एग्जांपल लिए, आपको भी कहीं बोलेगा सर कि आप वैल्यू फिक्स वैल्यू लिए होंगे, तो आप और कोई वैल्यू देख लो जी ओमेगा, आप ही बोलो कौन कौन सा पोल लें, रियल एक्सिस पर सिर्फ हो पोल, आप लोग कोई बोलो कोई वैल्यू आप लोग दो। दीजिए ना कोई भी वैल्यू तो बोलिए, दो पोल्स बोलने में क्या लगा हुआ आप लोग को, दो पोल्स, सर पोल्स के लिए बोलना है। माइनस हाँ पोल्स का पोजीशन दो वो बताइए ना, जैसे यहाँ पे मैंने माइनस फोर टू माइनस माइनस एट फोर लिया, आपके अनुसार कोई सर पोल्स माइनस दो फोर नहीं बताइए सर बताइए। माइनस फोर माइनस एट माइनस फोर माइनस माइनस एट एट माइनस एट, चलिए इनके अनुसार माइनस फोर माइनस एट ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है हमारा जीटा। थर्टी टू ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट अंडर थर्टी टू, तो फोर रूट टू, ठीक है, गलत होंगे तो बताइएगा। टू जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू ट्वेल्व सिक्स और जीटा इज इक्वल टू सिक्स अपॉन फोर रूट टू, ठीक है, और आप ये 1.41 होगा, सिक्स इंटू फोर इंटू 1.41 होगा, इसको भी डिवाइड करिएगा तो जीटा ग्रेटर देन वन आएगा। तो आप देख रहे हैं कि रियल पार्ट में रियल एक्सिस पे अगर दो पोल्स कहीं भी होगा, मतलब एक पोजीशन पर नहीं होना चाहिए, एक पोजीशन के लिए डिफरेंस ही जाएगा वो मैं दिखाऊंगा, एक पोजीशन पर ना होके कहीं भी होगा, दैट मीन्स द हमारा सिस्टम ऑलवेज विल बी ओवरडैम्प्ड और जीटा ग्रेटर देन वन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड केस, हम लोग के केस से है पॉसिबिलिटी एक कहीं भी दो पोल्स एक ही जगह हो, दो पोल्स एक ही जगह हो, कोई भी वैल्यू हो, देर में भी मान लीजिए कि फोर माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स कुछ भी माइनस फाइव ही ले लेते हैं, ठीक है, तो टी एस इक्वल टू ए अपॉन एस प्लस फाइव और एस प्लस फाइव, तो एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 25, आपका देखिएगा ओमेगा एन इक्वल टू फाइव आ गया, टू जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 10 आ गया और जीटा इक्वल टू वन क्रिटिकली टाइम। यहाँ पर क्रिटिकली टाइम मतलब कि आपका जो भी है दोनों पोल्स आपका एक पोजीशन पर आएगा। अब यहां से बताइए आपको अभी तक क्या क्या देखे,
अनडैम्प्ड सिस्टम देखें, अनडैम्प्ड में हमारा पोल्स का पोजीशन कहाँ होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे होगा, इमेजिनरी तरफ से कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो होगा इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। उसके बाद ओवरडैम्प्ड सिस्टम देखें, ओवरडैम्प्ड सिस्टम रियल एक्सिस पर दो डिस्टिंक्ट पोल होगा, मतलब कि दो डिफरेंट पोजीशन पर पोल होगा, ना कि एक पोजीशन पर पोल होगा, दो डिस्टिंक्ट पोल। अगर इफ यू आर गेटिंग टू डिस्टिंक्ट पोल ऑन रियल एक्सिस देन इट विल बी डेफिनेटली इट विल बी ओवरडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद if you are getting two poles at same position then it will be the critically damped position, critically damped system। aur humne bataya tha ki hum log jo bhi root locus jo bhi system analysis karte hain wo under damped system ke liye karte hain, wo na ki over damped critically damped aur under over damped critically damped aur undamped iske liye nahi karte hum log, under damped system ke liye karte hain। to dekhte hain under damped system kahan pe aata hai। ये देखिए कभी कभी है ना पोल्स का पोजीशन दिया हुआ रहता है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका वैल्यू ये कौन सा सिस्टम होगा, तो आपको डायरेक्टली आपको याद रखना है कि क्या होगा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। और एक चीज और है रूट लोकस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्लियर होगा। अब देखिए अब यहाँ पर हो गया, अब कम्प्लेक्स रियल कम्प्लेक्स कंजुगेट रहेगा पोल्स, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस टू जा रहा है और ये भी ऊपर टू तक जा रहा है, यहाँ अभी तक हम लोग टू मान लिए हैं, ठीक है। माइनस टू टू जे तो ये पोल्स का जो पोजीशन है, तो आपका जो टी एस इक्वल टू होगा के अपॉन एस प्लस टू जे और एस प्लस टू माइनस टू जे, ठीक है। तो के अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर और के अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फोर प्लस फोर और के अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस एट, ठीक है। तो ओमेगा एन इक्वल टू टू रूट टू और टू जीटा ओमेगा एन इक्वल टू फोर अपॉन टू और जीटा इक्वल टू टू अपॉन टू वन रूट टू और ये वन अपॉन रूट टू जीटा लेस देन वन। तो आपका रियल कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जब आएगा, रियल पार्ट रहेगा और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रहेगा, दैट मीन विल द अंडर डैम सिस्टम होगा। अब अंडर डैम सिस्टम होगा तो यहाँ जीटा का वैल्यू क्या आया है बाबू, जीटा का वैल्यू वन अपॉन रूट टू आया, ठीक है। वन अपॉन रूट टू आएगा, ये वन अपॉन रूट टू है क्या, मतलब कि कैसे, और अगर पोल्स का रूट लोकस रहता है तो कैसे फाइंड आउट होगा। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो ऊपर वाले पोल्स है, ऊपर वाले पोल से ओरिजिन पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए और रियल एक्सिस के साथ और पोल का डिस्टेंस जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जो एंगल फॉर्म हो रहा है मान लीजिए कि थीटा, तो दैट इज द जीटा इक्वल टू, यहीं पर लिखता हूं अब ध्यान दीजिएगा, जीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा, जीटा इक्वल टू कॉस थीटा वैल्यू। तो आप यहां पर देखिए ये ड्रॉ कीजिए, ये मैग्नीट्यूड क्या है, ये आपका टू है, ये आपका टू है, आपका ये मान लीजिए ओ ए बी हो गया, तो यहाँ पर OB का वैल्यू क्या होगा, OB का वैल्यू रूट अंडर फोर प्लस फोर और ये क्या हो जाएगा एट टू रूट टू हो जाएगा। cos थीटा क्या होगा बताइए, cos थीटा बताइए, टू बाय टू रूट टू, तो ये वन अपॉन रूट टू, जो आपका देखिए जीटा है वही आपका वो थीटा का वैल्यू आ रहा है। तो समटाइम्स क्या होगा ना कि जीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, समटाइम्स आपको एंगल दिया हुआ रहेगा कि वो जो पोल्स है वो ओरिजिन से 60 डिग्री है या 80 डिग्री है या 90 डिग्री है, तो आपको वहां पर कि कॉस
90 या cos 60 या कुछ समथिंग लेके आपको जीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए आपको जीटा का वैल्यू है। अब जो बोलिएगा सर कि ये तो अंडरडैम के लिए है कि सबके लिए, आप सब में देखिए, आपको दोनों पोल्स यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर से देखिए तो मतलब इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर आ जाइए जहाँ पर जीरो होने का संभावना है, यहाँ पर देखिए ये जो है एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल क्या पक्का जी, ओरिजिन से क्या है 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री क्या होता है, कॉस 90 डिग्री क्या होता है बताइए, जीरो जीरो, यहाँ पर के लिए जीटा क्या है, जीरो जीरो, हाँ तब तो ये चीज है। फिर आपको आप पे ओवरडैम तो पॉसिबल नहीं है कॉस में, तो उसको कैलकुलेट भी करना मुश्किल है, दो पोल से एक जगह हो रहा है, दो पोल से हो रहा है, यहाँ पर एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, और रियल एक्सिस से ये एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल जीरो डिग्री, तो कॉस जीरो क्या होगा, वन, और इसके लिए एक ही दो पोल्स एक जगह पर है तो उसके लिए क्या आया था, क्रिटिकली डैम जीटा का वैल्यू क्या आया था, वन। तो आपको इससे क्लियर हो रहा है कि आपका जो जो भी है मतलब कि एंगल दिया हुआ रहेगा, तो दैट मींस हमको फाइंड आउट करना है कि कॉस ऑफ दैट एंगल विल बी द जीटा। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को समझने में डाउट है, कुछ है तो पूछिए, फिर से बोलिएगा तो फिर से मैं बताऊंगा, जो लेट कमर है उनके लिए नहीं, लेकिन जो कुछ ही डाउट है, 23 आपका अटेंडेंस है जी, 28% शो हो रहा है, जिनको जो जो अटेंडेंस नहीं दिए हैं अटेंडेंस दे दीजिए, और कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं एक क्वेश्चन लूंगा, उससे आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि क्या था। किन्हीं को कुछ डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े, यस सर, ठीक है, गुड। देखिए लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम मैंने करवाया था, ठीक है, तो प्रॉब्लम करवाया था, इसमें सब चीज था, लेकिन जो नॉर्मल्स का बुक में ये क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन को इनकम्प्लीट था, मतलब कि थोड़ा सा मैं पार्ट को अपने पास रखा था जो कि जीटा से रिलेटेड था, वहां पर जो बोल रहा था कि ये क्वेश्चन जो था इसमें सारा चीज तो आपको फाइंड आउट करना है कि पोल्स इमेजिनरी एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है, और नहीं जी ये क्वेश्चन था सर, नहीं ये तो पोल जीरो के लिए था, दिखाए थे ये क्लास में या इससे क्लास में पहले, एक मिनट में आप लोग थोड़ा सा वेट टाइम दीजिए, मैं क्वेश्चन एग्जैक्ट ले आता हूँ।
पेज नंबर हाँ, जब डिजाइन का पार्ट में आइए ना तो ये जरूरी रहेगा। तो क्वेश्चन है स्केच द रूट लोकस root locus for the system shown in figure। पेज नंबर आपको 412 में है ये क्वेश्चन, आप उसको देखिएगा। एंड फाइंड दी फॉलोइंग तो क्वेश्चन फॉलोइंग क्या है फाइंड आउट करना है। एक जो फर्स्ट है द एग्जैक्ट पॉइंट एंड गेन वेयर लोकस क्रॉसेस द 0.45 डैम्पिंग रेशियो लाइन। उसके बाद बाकी सब है वो बताया गया हुआ है आप लोगों को। आप देखिएगा 412 में जो लाइन क्वेश्चन है तो केज जो दिया हुआ था ग्राफ फिगर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 20 अपॉन s प्लस 2 और s प्लस 4। तो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है क्लोज लूप ट्रांसफर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और ये क्लोज लूप सिस्टम का फिगर बनाया हुआ है। यस। अब इसमें जो आपको फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्ट पॉइंट एंड गेन वेयर द लोकस क्रॉसेस द 0.45 डैम्पिंग रेशियो। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, रूट लोकस तो डिजाइन करना है एज इट इज, जो भी आपको मेथड है बताया गया है, जैसे जैसे फर्स्ट पोल्स जीरो फाइंड आउट करना है, तो उसके बाद कितना इन्फिनिटी पे कंप्लीट हो रहा है वो देखना है, और वो क्या इन्फिनिटी पे नहीं कंप्लीट हो रहा है तो जहां इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करेगा वो देखना है। तो कोशिश करते हुए आप जब जाएंगे तो आपका जो कॉस थीटा इक्वल टू 0.45 लीजिएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.45। ये एंगल से आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा, सॉरी ये एंगल से एक लाइन ड्रॉ करना होगा, जो ये एंगल आएगा अब वो एंगल आएगा वो जीटा का वैल्यू, और मान लीजिए कि रूट लोकस जो भी आ रहा था, मान लीजिए कि रूट लोकस इस तरह से आएगा
इस तरह से रूट लोकस आएगा, और जब ये रूट लोकस आएगा ये पॉइंट आपको ये पॉइंट बताना है कि क्या है, किस पॉइंट पर, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है। ये पोल्स का पोजीशन है, पोल्स का पोजीशन है, ये जितना लाइन जो देख रहे हैं सारा जो जा रहा है रूट लोकस का वो पोल्स का पोजीशन है। इसका देखिए पोल्स क्या होगा, माइनस टू और एक माइनस फोर, ठीक है, यहाँ से ब्रेक अवे होगा और ये टू प्लस फोर जे और टू माइनस फोर जे, ये जीरो है, यहाँ जाके एंड हो रहा है। तो ये रूट लोकस आपका डिजाइन हुआ, आप करके देखिएगा, ये रूट लोकस आएगा आपका। तो रूट लोकस आएगा तो आपका ये क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, के का डिफरेंट वैल्यू के लिए आपका ये सब पोल्स का पोजीशन है, जो भी लोकेशन आ रहा है दैट इज द पोल्स का पोजीशन आ रहा है। तो यहाँ पर जो पोल्स का पोजीशन आ रहा है हमको कौन सा पोल्स फाइंड आउट करना है, हमको एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। और ये कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो आपका सबका स्केलिंग होगा, सबका यूनिट होगा, वन इतना डिस्टेंस, वन टू थ्री और यहाँ से ये पॉइंट। तो आप जब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, मान लीजिए कि यहाँ से टू लिए और टू से ये कम आ रहा है स्केलिंग, तो आप वहां पर वो वैल्यू हो जाएगा रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, ये वैल्यू हो जाएगा, दैट विल बी द आपका वो पोल्स पोजिशन फाइंड आउट हो जाएगा। और उसको मैग्नीट्यूड कंडीशन में सेटिस्फाई करके वहां पर गेन वैल्यू के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक समझने में किन्हीं को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन समझने में किन्हीं को डाउट हुआ है, क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करना है, किस तरह का क्वेश्चन? सर एक बार फिर से बताइए ना ग्राफ। लोग को ये जो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है इसका रूट लोकस आप ड्रॉ कर सकते हो आराम से। यस सर। ठीक है, तो रूट लोकस ये आएगा जो हम ये ड्रॉ किए हुए हैं, माइनस टू माइनस फोर पोल्स है और जीरो जो है आपका ये राइट साइड, टू प्लस फोर जे टू माइनस फोर जे, ये ड्रॉ कर लिए। उसके बाद हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन है द एग्जैक्ट पॉइंट एंड गेन वेयर लोकस क्रॉसेस द 0.45 डैम्पिंग रेशियो। हम डैम्पिंग रेशियो जो हमारा बोला गया है कितना होना चाहिए, मतलब कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.45 होना चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, कॉस इनवर्स 0.45। तो कॉस इनवर्स ये जो एंगल आएगा, सम एंगल आएगा, तो ये एंगल हमको रियल पार्ट इस साइड से ये थीटा का लेके हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एंगल पता है आपको, पोजीशन पता है जीरो से, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए। तो ये एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब ये लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो रूट लोकस को जहां कट करेगा दैट पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको जो ग्राफ में आप ड्रॉ करोगे तो एक पर्टिकुलर यूनिट रहेगा ना, कि इतना से इतना डिस्टेंस आप लोगे तो टू लिए हो, इतना से इतना भी फिर सेम फोर लोगे, तो फिर इसको जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो रियल पार्ट निकलेगा, वो कितना आएगा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप स्केलिंग किए हो ग्राफ को। आप देखते हैं एक इस ग्राफ रहता है तो एक बिग हाउस इज इक्वल टू 10 यूनिट मानते हैं, तो स्मॉल क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 वैल्यू हो गया, मान लीजिए कि अगर ये 2 के आसपास आ रहा 2 हो गया, और ऊपर में जो सेम मैग्नीट्यूड आप मान रहे हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा तो वो आपका वैल्यू फाइंड आउट कर जाएंगे, तो इमेजिनरी पार्ट निकल जाएगा। तो उस पोल्स का पोजीशन क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि एक्स आ रहा है, ये एक्स डिस्टेंस है एक्स, और ये आपका वाई, तो वो पोल्स पॉइंट क्या आ जाएगा, एस वन जो यहाँ पर पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस जे वाई। अब तो स्केलिंग आपको अपना ग्राफ में जैसे करना है उस हिसाब से आपको जो वैल्यू आएगा वो आपको देख लेना है। अब ये जो वैल्यू आ गया इसको मैग्नीट्यूड कंडीशन में सेटिस्फाई करना है, के एस स्क्वायर माइनस एस वन स्क्वायर और फोर एस वन प्लस 20 मॉड ऑफ एस प्लस एस वन प्लस टू और एस वन प्लस फोर, और वो वैल्यू पुट करोगे और तो उसके मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या है, टोटल मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो वहां पर के का वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि इस पर्टिकुलर के लिए ये पोल्स आ रहा है वो मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर डैम्पिंग रेशियो के लिए पोल्स का वैल्यू मिला, और उस पोल्स के लिए किस वैल्यू ऑफ के लिए वो पोल्स आ रहा है वो वैल्यू के निकालना है, वो दो चीज निकालना है। अभी भी किन्हीं को कुछ डाउट है तो बोलिए।
कोई डाउट? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पूनम सर जो लाइन खींचे हैं वो थीटा का वैल्यू आएगा उसी के अकॉर्डिंग खींचेंगे ना लाइन? हाँ हाँ उसी के एंगल, आपको पॉइंट है और एंगल मालूम है, तो एंगल मालूम है तो उस पॉइंट से आप ग्राफ लाइन नहीं खींच सकते हो, स्ट्रेट लाइन तो खींच सकते हैं, स्ट्रेट लाइन तो खींचा जाए। सर वैल्यू है थीटा का वैल्यू है 63.25, तो उसे लाइन खींचेंगे और जो कट करेगा वो पॉइंट निकालना है आपको। ओके सर समझ गए। ठीक है, और किन्हीं को डाउट? देखिए इसी पर है ना आपको डिजाइन का क्वेश्चन आता है, मतलब कि आपको बोल देगा कि हमको 20% ओवरशूट लेना है या 30% ओवरशूट लेना है, तो ओवरशूट बोलने का मतलब क्या हो रहा है, वो डैम्पिंग रेशियो एक तरह से दे रहा है, क्योंकि आपका जो ओवरशूट का वैल्यू है आपका डैम्पिंग मतलब गेट उट वगैरह में और इस सब में आ सकता है, तो आप कुछ क्वेश्चन डिजाइन में जब जाइएगा PID कंट्रोलर डिजाइन में, तो उसमें आप देखिएगा कि आपको ओवरशूट बोल दिया हमको कि इतना इस तरह से कंट्रोलर डिजाइन करना है और वैल्यू रखना है कि ओवरशूट हमारा 20% है, 20% ओवरशूट बोल दिया मतलब कि वहां से आपको ईट वन माइनस जीटा पाई अपॉन रूट अंडर वन माइनस जीटा स्क्वायर इक्वल टू 20% बोल रहा है, तो 0.2 बोल रहा है, तो वहां से जीटा का वैल्यू निकालिएगा, जब जीटा का वैल्यू आप निकल जाएगा तो आप उस जीटा के लिए आप लाइन खींचिएगा रूट लोकस ड्रॉ करके और वहां से आप के का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा कि ये के हम रखेंगे तो हमारा ये डैम्पिंग रेशियो इतना तक ओवर डैम्पिंग रेशियो इतना रहेगा जिसके कारण ओवरशूट इतना तक में हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, तो ये एक डिजाइन का एक पर्पस के लिए है ये सब क्वेश्चन रहता है। तो और किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है रूट लोकस का जो भी क्वेश्चन या स्टेबिलिटी का कोई असाइनमेंट बना रहे हैं उनमें से किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, जो व्हाट्सएप में पूछते हैं यहाँ भी पूछ सकते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। देखिए अगर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तब तो डाउट आएगा, मैक्सिमम लोग तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं हमें जहां तक पता है, किन्हीं को डाउट नहीं है? अंकित कोई डाउट है सर? एक दो को, लेकिन लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ, एक बार खाली कर लेते उसके बाद पूछेंगे एक बार ट्राई करोगे और। हाँ सर, हाँ बोलो पूनम। सर मुझे ना फर्स्ट चैप्टर से डाउट है। हाँ पूनम बोलो। सर मुझे फर्स्ट चैप्टर से डाउट है। फर्स्ट चैप्टर से डाउट है? हाँ बोलो। हाँ सर, सर जो भी जैसे नेगेटिव फीडबैक वाला, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक का जो भी आता है उसमें जो गेन सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी लेते हैं ना वो कैसे इंक्रीज करता है वो कैसे डिक्रीज करता है, तो उसमें मेरा थोड़ा डाउट हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि पॉजिटिव फीडबैक में क्या हो रहा है नेगेटिव फीडबैक में क्या हो रहा है, वो एक बार क्लियर कर दीजिएगा ना। पॉजिटिव फीडबैक में क्या हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक में क्या हो रहा है? देखो मतलब कि मान जीएस है, जीएस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, और प्लस माइनस जो भी है, और ये यूनिटी फीडबैक है या एचएस ले रहे हैं, फीडबैक है एचएस ले रहे हैं, ठीक है, तो आप जब ट्रांसफर फंक्शन लोगे नेगेटिव फीडबैक तो जीएस अपॉन वन प्लस जीएस एचएस आएगा, ठीक है, और अगर ये नेगेटिव फीडबैक के लिए ट्रांसफर फंक्शन है, पॉजिटिव फीडबैक लेंगे टीएस तो जी एस इज इक्वल टू वन माइनस जी एस एच एस आएगा, ये पॉजिटिव फीडबैक है। देखिए तो कोई भी सिस्टम होता है ना, कोई भी सिस्टम के लिए गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब बताओ ये जो ओपन लूप गेन था ये जब हम नेगेटिव फीडबैक लिए तो ये रिड्यूस हुआ कि इंक्रीज हुआ, पहले ये बताओ आप। सर ये रिड्यूस हुआ क्योंकि हम नीचे ऐड कर रहे हैं तो उस हिसाब से ट्रांसफर फंक्शन बढ़ेगा।
हाँ ये रिड्यूस हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो गेन हुआ इंक्रीज किया कि रिड्यूस किया, इंक्रीज हुआ यहाँ पे, इंक्रीज हुआ। तो एक पॉइंट तो हो गया कि नेगेटिव फीडबैक में गेन रिड्यूस करेगा और इसमें ये के इंक्रीज करेगा। तो बैंडविड्थ क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक के लिए बैंडविड्थ इंक्रीज करेगा और पॉजिटिव फीडबैक के लिए बैंडविड्थ रिड्यूस करेगा, है ना। तो गेन बैंडविड्थ ये हो गया। उसके बाद सेंसिटिविटी के लिए हमने दिखाया था कि डेल जी एस माने टी एस, डेल टी एस अपॉन डेल जी एस ले लो, उसको डिफ्रेंशिएट करो और उसका देखो कि इफेक्ट क्या आ रहा है, जो हमने डेरिवेशन किया है उसमें भी आप देखो कि नेगेटिव के केस में क्या हो रहा है, पॉजिटिव के केस में क्या हो रहा है, तो वहां से आपको क्लियर होने चला, क्लियर होते चला जाएगा। उसके बाद स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आप कोई भी हम लोग क्या करते हैं, वन प्लस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वन प्लस जी एस एच एस इक्वल टू जीरो लेते हैं, तो जी एस एच एस इक्वल टू माइनस वन हुआ, यही होता है ना जी, जी एस एच एस इक्वल टू, और ये जी एस एच एस इक्वल टू वन हुआ। तो तो आप जो है कोई भी आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ले लेना और फीडबैक वन रखना, और जो कि राइट साइड है आप देखोगे नेगेटिव फीडबैक रहने के कारण वो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड चला जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक में, पॉजिटिव फीडबैक में देर में भी चांस कि वो राइट साइड जा सकता है पोल्स, तो वो अनस्टेबिलिटी रिड्यूस करेगा, और यहाँ पर क्या है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, आपका वो साइड भी है तो इधर आने का रहेगा। उसको मैं जो थ्योरी में एक्सप्लेन किया ना उसमें थोड़ा सा आप फिर से उसको देखना और किस एग्जैक्ट पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है वो बताना, क्योंकि उसको पूरा सिस्टमेटिक वे से एक्सप्लेन किया हूँ तो उसको थोड़ा सा आप देखेंगे ना अच्छे से तो फिर वो क्लियर हो जाएगा, जहां डाउट होगा तो फिर पूछिएगा। ये दो पॉइंट तो आपको साफ पता चल रहा है कि गेन इसका रिड्यूस करेगा, इसका गेन करेगा, जहां जहां बैंडविड्थ इंक्रीज करता है ना वहां स्टेबिलिटी आपको इंक्रीज करेगा, तो पॉजिटिव में आपका स्टेबिलिटी रिड्यूस करेगा, नेगेटिव में स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। और कोई डाउट पूरा सर, सेंसिटिविटी वाला क्लियर नहीं हुआ, सेंसिटिविटी किसके टर्म में, दो सेंसिटिविटी बताए थे और एक दोनों वाला पहले, तो आप उसको डेरिवेट करो ना, उसको डेरिवेट करो जो से स्टेप बाय स्टेप डेरिवेट हुआ है, आप उसको देखो उसको भी कहां पर उसके टर्म्स मैथमेटिकली टर्म्स में है, आप उसको एक बार देखो और जहां पर आपको समझ में नहीं आता वहां पर डॉट करके आप उसको व्हाट्सएप करो। ओके सर। और कहीं को डाउट, कल एक बच्चे ने व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछे थे तो उनका जो था वन प्लस टेन समथिंग कोई ट्रांसफर फंक्शन आ रहा था, जैसे कि जीएस जो था मैं बता रहा हूँ टेन अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस थ्री था, वो क्लियर हुआ तुम्हारा, वन प्लस क्लियर हो गया, जीएस एच एस इक्वल टू जीरो रखे तो वो आप जब उसको मैथमेटिकली करोगे, वही मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन देखने से नहीं है उसको, जो जो कहने का मतलब है क्या आप जैसे